डेयर स्टूडेंट्स अगेन वेलकम टू वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन सर्विंग नाउ टूडे वी विल गो फॉर लेक्चर नंबर सिक्स ऑन प्लेन टेबल सर्वे एंड दैट इज ऑल अबाउट मेजरमेंट ऑफ एरिया बाय प्लानीमीटर इसके पहले लेक्चर में हमने थ्री पॉइंट प्रॉब्लम क्या है उसके लिए देखा था और वहाँ पर हमने एक ट्रेसिंग पेपर मेथड दैट इज़ ट्रायल एंड एर मेथड लेमैस मेथड ये हमने वहाँ पर देखा था नाउ देयर आर अगेन फ्यू मेथड्स आर देयर दैट इज ग्राफिकल मेथड फॉर थ्री पॉइंट प्रॉब्लम तो थ्री वेल डिफाइंड लोकेशन है हमारे ग्राउंड पर के और उसके तीनों भी पॉइंट्स हमको मैप पर भी पता है लेकिन मैप पे स्टेशन पॉइंट पी हमको पता नहीं है दैट इज़ कॉल्ड एज थ्री पॉइंट प्रॉब्लम और इसको सोल्यूशन करने के लिए हमारे पास में ग्राफिकल मेथड भी है सो इन दिस लेक्चर फर्स्ट वी विल प्रोसीड विद द ग्राफिकल मेथड फॉर थ्री पॉइंट प्रॉब्लम एंड देन वी विल गो फॉर एरिया मेजरमेंट बाय प्लानीमीटर तो हम लोग पहले ग्राफिकल मेथड जो है वो हम लोग यहाँ देखने वाले हैं सो so हियर इसके पहले हमने देखा दैट इज द फर्स्ट मेथड दैट इज फॉर ग्राफिकल मेथड नंबर वन तो यहां पर हमारे पास में ए स्टेशन बी पॉइंट और सी पॉइंट ये दोनों भी तीनों भी हमको पता है ये तीनों भी लोकेशन हमको ड्राइंग शीट पे पता है सो देअर फॉर स्मॉल द प्लॉटेड पोजिशन ऑफ द शोअर सिग्नल ऑन द पेपर जो अपना रेंजिंग रॉड रखे थे अपने तीनों पॉइंट के उसके तीनों पॉइंट ये पॉइंट्स यहाँ पर आपको नोन है अब यहाँ पर आप ये ट्रायंगल, ये ए बी सी जो ट्रायंगल है ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा उसके अलावा जब आपने ये पी पॉइंट से ए और ये बी पॉइंट को फोकस किया था और ये सी बी पॉइंट को और सी पॉइंट को फोकस किया था तो ये वाला एंगल अल्फा और ये वाला एंगल बीटा ये भी आप मेजर कर सकते हो सो so, सेट स्क्वेयर से हम लोग उसको एंगल को मेजर कर सकते हैं ये अल्फा और बीटा एंगल कितना है क्योंकि ये ए पॉइंट बी पॉइंट और सी पॉइंट है तो आपके पास में तीन लाइनें मिल गई आपको ऐसी तो ये जो पी पॉइंट है ये एक्चुअली पी पॉइंट हमको ग्राउंड पे जब हमने सर्वे किया था उस समय आपको ये एंगल यदि आपने गिने होंगे तो आप ये ग्राफिकल मेथड इस्तेमाल कर सकते हो तो हमको वो अल्फा एंड बीटा एंगल भी यहाँ पर मालूम होना जरूरी है यदि आपको ये अल्फा और बीटा यदि पता है तो हम लोग यहाँ पे इस प्रकार का एक ग्राफिकल अरेंजमेंट कर सकते हैं उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं सो विध दिस लाइन आई विल मेक द एंगल बीटा बीटा इधर है तो मैंने यहाँ पे एंगल बनाया और विद लाइन अल्फा इधर बनाया तो मेरे पास में एक लाइन और मिल जाएगी ये <coughs> तो ये पॉइंट हो जाएगा मेरा डी तीन पॉइंट मेरे ए बी थी पहले मालूम थे मुझे और मुझे अल्फा और बीटा मैंने फील्ड से यदि पता कर लिया था तो मेरे पास में ये ए बी सी को ज्वाइन करने वाला ट्रायंगल मिल गया और ये अल्फा बीटा मैंने इधर बीटा प्लॉट किया इधर अल्फा प्लॉट किया तो ये डी पॉइंट मिल गया ये डी पॉइंट को बी पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे तो आपको ये लाइन मिलेगी आपको ये लाइन मिलेगी और ये जो ट्रायंगल बन गया आपका बड़ा वाला इस ट्रायंगल में से यदि आप एक सर्कल प्लॉट करते हो तो वो सर्कल ये वर्टिकल लाइन को ये जो सर्कल है ये सर्कल जहां पर मिलेगा ये वाला पॉइंट आपका स्टेशन पॉइंट पी हो जाएगा लेकिन उसके लिए कंडीशन आपको अल्फा और बीटा एंगल आपको मालूम चाहिए थे ये आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे तो यदि यदि अपना अल्फा बीटा आपने फील्ड में गिना है पहले से तो आप ये ग्राफिकल मेथड से भी स्टेशन पॉइंट पी को लोकेट कर सकते हो सिमिलरली अदर मेथड इज देयर जहाँ पर भी आपको अल्फा बीटा का एंगल यदि पता है तो आपके पास में यहाँ पर एक स्टेशन है पहले से ए पॉइंट पता है फिर बी पॉइंट भी पता है और ये सी पॉइंट भी पता है हम लोग अब इसके अंदर का जो अल्फा बीटा एंगल था जैसा मैंने आपको पहले बताया स्टेशन से जब ए बी और सी हमने गिना था तो यदि आपने अल्फ़ा और बीटा एंगल यदि गिना होगा तो उस एंगल का इस्तेमाल करके हम लोग ये जो लाइन है ए बी ये लाइन हम लोग ज्वाइन करेंगे पहले और दूसरी लाइन हम लोग बी सी ज्वाइन करेंगे ये लाइन ज्वाइन करने के बाद में मैं ये लाइन के साथ में नाइन्टी माइनस अल्फ़ा डिग्री का एंगल बनाऊँगा तो मुझे एक लाइन ये मिल जाएगी और वैसे ही यहाँ पर भी मैं एक नाइन्टी माइनस अल्फ़ा का एंगल यहाँ बनाऊंगा तो ये एंगल और ये एंगल मैंने नाइन्टी माइनस अल्फ़ा का लिया अल्फ़ा मुझे मालूम है तो ये दोनों ट्रायंगल जहाँ मिलेंगे वो आपका हो जाएगा एक सेंटर पॉइंट ओ वन और ये सेंटर से इतना दूरी लेके A ए पॉइंट की दूरी लेके ये सर्कल बना सकते आप ये वाला एक सर्कल बन जाएगा आपका सेम प्रोसीजर यहाँ भी करना है ये ये बी पॉइंट पे 90 माइनस बीटा का एंगल करना है तो आपको ये लाइन मिलेगी और सी पॉइंट पे 90 माइनस बीटा का एंगल लेंगे तो ये लाइन मिलेगी और ये दोनों जहाँ मिलेंगे ये दूसरा सेंटर हो जाएगा आपका और यहाँ से ये बी पॉइंट का दूरी लेके आप ये वाला सर्कल बना सकते हो सो दिस टू सर्कल्स जहाँ पर मीट होंगे ये आपका स्टेशन पॉइंट पी हो जाएगा तो इस प्रकार से ड्राइंग शीट के ऊपर आपको ए बी सी लोकेशन पता है और यदि अल्फ़ा बीटा एंगल आपको पता है फील्ड में से लिया हुआ तो हम लोग ये पी स्टेशन को जल्दी से लोकेट कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड टू का इस्तेमाल करके सिमिलरली तीसरी मेथड भी हम लोग को इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं सो so ये और यहाँ पर भी जैसा कि हमको पहले ए स्टेशन बी स्टेशन और सी स्टेशन ये ड्राइंग शीट पे पता है हमको ड्राइंग शीट पे और इसके जो फील्ड में एंगल गिने थे बीटा वो भी हमको पता है <coughs> तो मैं सबसे पहले ए बी लाइन यहाँ पे ज्वाइन करूँगा और बी सी लाइन भी ज्वाइन कर दूंगा ये ड्राइंग शीट पे दो लाइन निकाल लिया मैंने अब ये ए बी लाइन को मैं 90 डिग्री की लाइन बनाऊंगा यहाँ पर और यहां पर भी 90 डिग्री लाइन बनाऊंगा ये लाइन मेरी ऐसी थोड़ी नीचे जाएगी ऐसी ये भी जाएगी ऐसी नीचे <coughs> <coughs> अब इसके बाद में ये जो लाइन है ए बी यहां पर मैं नाइन्टी माइनस अल्फा का एंगल बनाऊंगा नाइन्टी माइनस अल्फा तो ये लाइन और एक मिल जाएगी मुझे नाइन्टी माइनस अल्फा पे ये लाइन ये राइट एंगल लाइन को जहां मिलेगी वो पॉइंट हो जाएगा मेरा एडिशनल पॉइंट डी सेम प्रोसीजर आपको इधर भी करना है नाइन्टी माइनस बीटा का एंगल लो और ये लाइन बनाओ तो ये लाइन यहां पर मिलेगी तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका ई e. तो दो पॉइंट आपको मिल गए अब ये डी और ई e को स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर सकते हैं आप तो आपको ये लाइन मिल जाएगी अब इसके अलावा ये जो तीन पॉइंट है आपका ए बी और डी इसमें से पास होने वाला यदि ट्रायंगल बनाते सर्कल बनाते हो आप तो ये सर्कल आपका ये वाला हो जाएगा सो दिस सर्कल इज द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी एंड डी और इसी प्रकार से ये बी सी और ई e, ये तीनों ट्राइंगल को तीनों पॉइंट में से पास होने वाला यदि सर्कल बनाया तो वो सर्कल हो जाएगा ये और ये सर्कल दोनों भी जहाँ मिलेंगे तो ये होजेंटल लाइन के ऊपर मिलेंगे वो बराबर तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका स्टेशन पॉइंट पी तो इस प्रकार से ग्राफिकल मेथड थ्री का इस्तेमाल करके भी हम लोग ये पी पॉइंट ड्राइंग शीट के ऊपर पता कर सकते उसके लिए हमने ग्राफिकल मेथड यूज़ किया लेकिन ये तीनों भी मेथड में सबसे पहले कंडीशन ये है कि जब भी आपने स्टेशन ए बी और सी के ऊपर रिसेक्टर निकाल के प्लेन टेबल सर्वे किया था तो ए और बी का एंगल अल्फा और बी और सी का एंगल बीटा ये दोनों भी आपको मेजर करके लगेंगे वो पहले से यदि पता है तो हम लोग ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करके भी ये पी पॉइंट की पोजिशन फाइंड कर सकते हैं जनरली हम लोग वहाँ पर एंगल नहीं गिनते प्लेन टेबल में इसलिए पी पॉइंट को पता करने के लिए थ्री पॉइंट प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हम लोग ट्रेसिंग पेपर मेथड इस्तेमाल करेंगे या फिर ट्रायल एंड एरर मेथड इस्तेमाल करेंगे तो ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल काफ़ी कम होता है सो इन दैट वे वी कैन फाइंड आउट द पॉइंट पी लोकेशन ऑन द ड्राइंग शीट अब इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा सर्वे में होता है जितने भी आपने मैप निकाले अलग अलग इन मैप के लिए आपको एरिया कैलकुलेट करना होता है कोई खेत है कोई प्लाट है तो जहाँ पर भी आपके जॉमेट्रिकल शेप है यानी रेक्टेंगल है ट्रायंगल है तो आप एरिया फाइंड कर सकते हो लेकिन यदि जॉमेट्रिकल शेप नहीं है सो इरेगुलर शेप है आपका यदि आपने समझ लो छतरी तालाब का सर्वे कर लिया और उसका टॉप व्यू का ड्राइंग आपने बनाया तो उसका ऐसा ए एक शेप निकलेगा उसका द शेप इज आईस लाइक दिस इरेगुलर शेप ऐसा शेप निकल गया आपका टॉप यू में अब ये टॉप यू के इसका एरिया निकालना है अपने को तो यहाँ पर आपको कोई ट्राइंगल रेक्टैंगल ऐसा कुछ बना नहीं सकते और कोई जोमेट्रिकल फार्मूला लगा नहीं सकते आप तो इसके लिए फिर हमको एरिया निकालने के लिए कुछ तो भी चाहिए और वो काम हमारा होता है प्लानी मीटर से सो प्लानी मीटर से हम लोग एरिया मेजर कर सकते हैं और देर आर टू टाइप्स ऑफ प्लानी मीटर सो दिस इज अर्लियर वन दिस इज कॉल्ड एज पोलर planimeter. दिस इज पोलर planimeter एंड दिस इज डिजिटल planimeter. ये दोनों का इस्तेमाल करके हम लोग एरिया मेजर कर सकते हैं अब ये एरिया मेजर कैसे करना है सो दैट वी विल सी इन दिस लेक्चर तो इसके लिए अभी हमारे पास में एक सीधा सीधा फार्मूला दिया गया है तो so, वो फार्मूले का इस्तेमाल हम लोग करके एरिया निकाल सकते लेकिन वो फार्मूले के लिए आपको ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा तो so, वह ऑब्जर्वेशन कैसे लेंगे सो दैट वी विल सी हियर तो अभी यहाँ पर तो हमारे पास में जो प्लानिमीटर है ये वाला इसका हमको यहाँ पर समझना है फर्स्ट वी विल सी पोलर प्लानिमीटर। पोलर प्लानिमीटर का क्या क्या करेंगे हम लोग तो ये पोलर प्लानिमीटर इस प्रकार का आपको दिख रहा है इसके अंदर यहां पर एक एंकर वेट लगा सो दिस इज एंकर वेट और एंकर पॉइंट इसको नीचे में एक एग्जैक्ट पॉइंट होता है बराबर तो ये एंकर पॉइंट है एक एंकर आर्म को लगे हुआ और ये एंकर आर्म पे इधर यहाँ पर भी स्केल की है मार्क दिस इज स्केल और ये जो स्क्रू है इसका इस्तेमाल करके हम लोग ये एंकर पॉइंट को लंबा कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं सो दिस एंकर आर्म दैट वी कैन मेक इट लॉन्गर एंड शॉर्टर तो ये हो गया आपका एक आर्म ऐसे ही एक दूसरा आर्म यहाँ पर है ये जो आर्म है इसके ऊपर भी एक मार्किंग स्केल लगी हुई है और यहाँ पर भी इसका एक हमारा एक पॉइंट यहाँ पर दिया है बराबर तो ये है हमारा पॉइंटर ये हमारा पॉइंटर तो ये जो पॉइंटर है ये मूविंग पॉइंटर है हमारा ये जो पॉइंट है ना ये हमको वो फिगर पे घुमाना पड़ता इरेगुलर फिगर समझ लो ऐसी बनाई हमने तो ये फिगर के ऊपर ये वाला पॉइंट घुमाना पड़ता तो उसको और एक यहां पर ये आर्म है अब ये आर्म के ऊपर ये जो दूसरा आर्म लगा एंकर पॉइंट वाला यहाँ पे एक मैकेनिकल अरेंजमेंट की है तो यहाँ पर एक रोटेशन का व्हील दिया हमको और एक व्हील ऐसा ये छोटा वाला भी दिया है जो ग्राउंड को चिपक के घूमेगा यहाँ पे और ये यहाँ पर एक इंडेक्स मार्क दिया वाला है यहाँ पर और ये इंस्ट्रूमेंट को आपको क्या करना है तो ये जो पोलर प्लानीमीटर का एंकर पॉइंट है ये एक जगह पर फिक्स पकड़ के रखना है और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट को पकड़ के ये फिगर पे से उसको घुमाना है जब ये पॉइंट हम लोग ये फिगर पे से घुमाएंगे तो ये व्हील घूमेगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और इसका ये नीचे का जो व्हील है ये भी व्हील घूमेगा और इसके हिसाब से यहाँ पर उसको एक रीडिंग का डायल दिया होता है उस पर कितना रीडिंग है आपका वो आपका रीडिंग आ जाएगा तो आपको दो चीज़ें देखना है एक तो ये जो व्हील है इंडेक्स व्हील ये क्लाक घूम रहा है या एंटी क्लाक घूम रहा है ये भी देखना है और कितने बार घूम रहा है वन टू थ्री फोर बार वो भी देखना है और ये जो है ये व्हील घूमने की वजह से यहाँ पर एक मैकेनिकल रीडिंग का एंगल रीडिंग आ रहा है इंडेक्स मार्क का वो भी रीडिंग कितना है वो देखना है सो यू हैव टू ऑब्जर्व द बोथ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे इंडेक्स जो सर्कल है उसका और ये रोटेशन सर्कल का रीडिंग यहाँ पर तो ये दोनों चीज़ें हमको लेनी है तो ये मैकेनिकल टाइप का पोलर प्लानिमीटर है तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट फिक्स पकड़ के रखना है और दूसरे पॉइंट को हमको फिगर के ऊपर ऐसा 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 घुमाना है तो जो उसके रीडिंग बदलेंगे तो वो रीडिंग हमको इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग लेना पड़ेगा और दोनों रीडिंग लेंगे तो उससे हम लोग फार्मूले का इस्तेमाल करके इरेगुलर फिगर का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं सो टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ इररेगुलर फिगर वी कैन यूज पोलर प्लानीमीटर दिस इज मैकेनिकल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट और मैकेनिकल अरेंजमेंट यहाँ पर दिए रीडिंग लेने के लिए तो इससे हम लोग मैकेनिकल से एरिया निकाल सकते हैं अब यह करते समय यदि आपकी फिगर छोटी है और पोलर प्लानीमीटर बड़ा है तो आपका यह जो एंकर पॉइंट है ना यह फिगर के बाहर रहेगा कहीं तो भी और यह पॉइंट इसके ऊपर घूमेगा ऐसा क्योंकि आपकी फिगर छोटी है और आपका प्लानीमीटर बड़ा है तो एंकर पॉइंट आपका फिगर के आउटसाइड में रह सकता है या फिर यदि फिगर बड़ी है और आपका प्लानीमीटर छोटा है तो यह एंकर पॉइंट अंदर ही रहेगा और आपका ये जो यानी ये ऐसा रहेगा और ऐसा घूमेगा इसके ऊपर ये आए, एंकर पॉइंट रहेगा अंदर और ये मूविंग आर्म रहेगा तो ये मूविंग पॉइंट आप ऐसा ऐसा घुमाएंगे तो एंकर पॉइंट इनसाइड द फिगर हो सकता है या एंकर पॉइंट आउटसाइड द फिगर हो सकता है और दोनों कंडीशन के हिसाब से हमको फिर ये यहाँ पर मेकेनिकल इंडेक्स रिंग और ये इनिशियल रीडिंग फाइनल रीडिंग ये आपको पोलर प्लानीमीटर पर लेना होता है तो आप किसी भी रेगुलर का एरिया निकाल सकते हो so that is the first use of polar planimeter for finding out the area of irregular figure अब इसमें advancement आ गई तो advancement में क्या हो गया कि हमारे पास mein यहाँ पर एक ऐसा digital planimeter आ गया अब ये digital planimeter में direct यहाँ पर, पर दिया ही है direct सीधा सीधा तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये इंस्ट्रूमेंट को हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर भी इसको रोटेटिंग व्हील दिए वाले दोनों भी और यहाँ पर भी एक ऐसा लेंस दिया है और ये लेंस के यहाँ पे सेंटर में एक पहला मार्किंग है बराबर और यहाँ पर आपको क्या करना है अब ये आगे पीछे रोल हो सकता है ऐसा और ये आपको ये जो कोई इरेगुलर फिगर यदि आपने बनाई है समझ लो ये इरेगुलर फिगर ऐसी है तो ये लेंस को रिंग है ऐसी वो लूज वाली रिंग पकड़ के उसका सेंटर बराबर इसके ऊपर रख लो ऐसा और ये इसको पकड़ के ये वाले पार्ट को पकड़ के ऐसा इसके ऊपर घुमाना शुरू कर दो तो घुमाएंगे तो ये जो है ना ये आगे पीछे सरकेगा और यहाँ पे भी उसको एक घूमने के लिए जगह है तो ये भी इधर उधर घूमेगा और ताकि ऐसा करके ये जैसा जैसा घूमेगा तो ये बॉक्स जो है इसके नीचे भी उसको एक व्हील लड़ता है वो व्हील घूमेगा और वो व्हील के हिसाब से ये फिगर का कितना एरिया है वो डायरेक्टली आपको इस स्क्रीन पे मिलेगा तो ये डिजिटल प्लानीमीटर से हम लोग आसानी से एरिया निकाल सकते हैं यहाँ पर पोलर प्लानिमीटर से आपको इनिशियल रीडिंग फाइनल रीडिंग और इंडेक्स सर्कल का रीडिंग लेना पड़ता है यहाँ पर आपको एरिया डायरेक्ट मिलता है यहाँ पर तो उसके लिए स्टेप्स क्या क्या करेंगे तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा बटन ऑन का बटन दबाना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप इज ऑन इंस्ट्रूमेंट ऑन हो गया ऑन होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप है इसकी यूनिट यानी आपको सेंटीमीटर लेना है मिलीमीटर लेना है मीटर लेना है तो कौन सी स्केल है आपके मैप की तो आपको यूनिट सेंटीमीटर मीटर मिलीमीटर ये चूज़ करना है तो अलग अलग यूनिट दिए वाले हैं उसमें से आपको यूनिट्स यूज करना है तो फर्स्ट स्टेप हो गया ऑन सेकंड स्टेप हो गया यूनिट सेट कर दिया आपने फिर थर्ड सेट हो गया आपको स्केल सेट करना पड़ेगा क्योंकि आपका ये जो ड्राइंग है ओरिजिनल इरेगुलर शिप ये कौन से स्केल से बना है वो स्केल आपको सेट करनी पड़ेगी फॉर एग्जाम्पल वन एज टू हंड्रेड तो ये ए की वैल्यू हो गई और ये हो गई बी की वैल्यू तो वहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा आपको ए इज इक्ल टू वन बी इज इक्वल टू हंड्रेड और फिर स्केल बटन को दबा देंगे तो आपकी स्केल सेट हो गई तो पहले इंस्ट्रूमेंट को ऑन किया फिर उसके अंदर का यूनिट चूज़ किया मीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर फिर मैंने स्केल सेट की और स्केल सेट करने के बाद में ये जो इंस्ट्रूमेंट का पॉइंट है वो यहाँ पे रखना पड़ेगा बराबर और यहाँ रखने के बाद में फिर स्टार्ट की बटन दबाएंगे और स्टार्ट बटन दबाने के बाद में इसको ऐसा गोल गोल घुमाएंगे इस पर और यहाँ पर ला छोड़ देंगे फिर से और ऐसा छोड़ने के बाद में आपको यहाँ पर जो आंसर है वो हमको लगेगा तो उसके लिए हमको रीड या एंड या एरिया ऐसा जो भी बटन आपके इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग कंपनी के तरफ से होगा वो आपको दबाना पड़ेगा तो आपका यहां से स्टार्ट और यहां पे जाके एंड हो गया और या फिर कुछ इसमें रिजल्ट बटन होता है तो आप पहले ऑन कीजिए यूनिट सेट कीजिए फिर स्केल सेट कीजिए फिर स्टार्ट बटन दबा के इसको फिगर पे से घुमाइए और फिर रिजल्ट बटन दबा के आपको कितना एरिया है वो यहाँ पे आ जाएगा जो भी यूनिट आपने चूज किया था उस यूनिट में वो आपका एरिया निकल जाएगा तो इस प्रकार से हम लोग प्लानिंग मीटर को इरेगुलर फिगर के ऊपर घुमा के इरेगुलर फिगर का एरिया निकाल सकते हैं अब इसके अंदर और अरेंजमेंट है एडिशनल कि आपके इनके अंदर आपको यहाँ पे इसके अंदर एक और फिगर निकाली आपने और आपको ये शेडेड एरिया निकालना है तो आपको क्या चाहिए ये बाहर के फिगर में से या अंदर के फिगर का एरिया माइनस करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते तो सबसे पहले ऑन की इंस्ट्रूमेंट को फिर यूनिट बटन सिलेक्ट करो यूनिट सिलेक्ट होने के बाद में स्केल सिलेक्ट करो फिर स्टार बटन दबाओ स्टार बटन दबा के यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का पॉइंटर रख के ये पॉइंटर को हमने क्लॉकवाइज घुमाया ऐसा करके यहाँ पे छोड़ दिया तो ये हो गया लेकिन जब यहाँ पर वापस आ गए तो फिर आपको होल्ड की बटन दबाना पड़ेगा यानी हमने आंसर नहीं निकाला अभी होल्ड करके रखा उसको फिर आपको यह इंस्ट्रूमेंट को उठा के इसका पॉइंटर यहां पे रखो आप अब आपको पॉइंटर चेंज करना पड़ेगा यहां पे रखो और ये जो अंदर का जो फिगर है इसके ऊपर आपको बराबर ये पॉइंटर घुमाना है तो जब अंदर में घुमाएंगे तो बाहर से आपने क्लॉकवाइज घुमाया था पॉइंटर को अब यह अंदर के एरिया माइनस करना है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज इस घुमाओ तो इधर से ऐसा घुमाना पड़ेगा और उसके बाद में फिर रिजल्ट बटन दबाओ तो बाहर का एरिया उसमें से माइनस अंदर का एरिया हो जाएगा और ये शेडेड एरिया का एरिया आप निकाल सकते हो सो लाइक वे वी कैन यूज द डिजिटल प्लानिमीटर या हम लोग दो अलग अलग फिगर का एरिया भी ऐड भी कर सकते हैं सो हाउ दैट कैन बी डन तो यहाँ पे हम लोग यहाँ करेंगे तो सबसे पहले आपके पास में एक इरेगुलर फिगर है और दूसरी और एक इरेगुलर फिगर है दोनों का एरिया ऐड करना है हमको तो ये इसका एक स्टार्ट पॉइंट हो गया एक इसका स्टार्ट पॉइंट ये हो गया तो मैं ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट को उठाऊंगा सबसे पहले क्या करूंगा बटन मेरी कौन सी बटन यूज करना है मुझे ऑन ऑन हो गई फिर उसके बाद में मुझे करना है यूनिट सेट करना है मीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर उसके बाद में मुझे स्केल चूज करना है इसकी जो स्केल होंगी वो चूज करूंगा मैं दोनों भी फिगर एक जैसे स्केल से लगेंगे अपने को यहां पर स्केल से होने के बाद में फिर हम लोग यहां पर बोलेंगे स्टार्ट स्टार्ट करने के बाद में स्टेशन पॉइंटर यहां रखेंगे और इसको क्लाकवाइज घुमाएंगे ऐसा यहां पर जाके छोड़ देंगे जब क्लाकवाइज हो जाएगा तो उसके बाद में आपको बटन दबाना है होल्ड फिर इंस्ट्रूमेंट को उठाकर स्टेशन पॉइंटर यहां रखना है और इसको भी क्लाकवाइज घुमाना है और फिर आखिरी में बटन दबाना है रिजल्ट तो आपको क्या हो जाएगा इसका एरिया निकलेगा प्लस इसका भी एरिया निकलेगा और दोनों की टोटल आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखेगी तो इस प्रकार से डिजिटल प्लानीमीटर का इस्तेमाल तो एकदम आसान है क्योंकि आपको एरिया डायरेक्ट मिल जा रहा और यदि पोलर प्लानिमीटर ले रहे हैं हम लोग तो वहाँ पर हमको इनिशियल रीडिंग फाइनल रीडिंग और इंडेक्स व्हील का रोटेशन ये तीनों भी गिनना पड़ता है और उसके हिसाब से हम लोग फिर इसकी जो स्केल हमने सेट किया यह आर्म की वो देख के हमको पोलर प्लानिमीटर से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके एरिया निकालना पड़ता है किसी भी इरेगुलर फिगर का तो सर्वे के अंदर यदि इरेगुलर शेप है तो उसके लिए एरिया निकालने के लिए हमको ये प्लानीमीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसको हम लोग कैसा करेंगे सो वी विल अंडरस्टैंड द फॉर्मूला फॉर दिस सो फार्मूला फॉर पोलर प्लानीमीटर ये हमारा है एरिया इज इक्वल टू एम इंटू ब्रैकेट एफ माइनस आई इंटू टेन एन प्लस सी ये यहाँ पर ब्रैकेट होना चाहिए यहाँ पे गलती से आ गया यहाँ पर सो so हियर यहां पर आएगा सो दिस फार्मूला इज एरिया इज इक्वल टू एफ माइनस आई प्लस माइनस टेन एन प्लस सी तो ये एफ माइनस आई जो है ये पहले निकालना है प्लस माइनस टेन एन प्लस सी करना है और ये ब्रैकेट के बाहर है एम एम इंटू एफ माइनस आई तो ये एम क्या है हमारा तो so, एम है हमारा मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट सो एम इंटू ब्रैकेट एफ माइनस आई प्लस माइनस टेन एन प्लस सी ये आपका फार्मूला हो गया प्लानीमीटर का रिमेंबर एम इंटू ब्रैकेट एफ माइनस आई प्लस माइनस टेन एन प्लस सी सो दिस इज द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ प्लानी एरिया बाय प्लानीमीटर तो एम जो है यह है मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट तो आपका जो प्लानीमीटर है ना उसके हिसाब से आपने जो भी स्केल चूज़ किए होंगे तो वहाँ पर एम की वैल्यू कितनी लेना है मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट की जैसा कि वो हो जाएगी हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड जो भी होगी सो दैट वैल्यू का एक टेबल वो इंस्ट्रूमेंट के साथ में आता है उसमें लिखा होता है कि एम इतना रहेगा और सी इतना रहेगा तो मल्टीप्लाइंग एडिटिव कांस्टेंट कितना लेना है ये आपको एक चार्ट रहेगा मैन्युफैक्चरर की तरफ से उससे वैल्यू लेना है सो so, एम आपको पता चलेगा और सी भी आपको पता चलेगा एडिटिव कांस्टेंट। उसके बाद में जब आप पोलर प्लानिमेटर से एरिया गिनना शुरू करेंगे तो वो जो डायल व्हील है वो डायल व्हील के ऊपर इनिशियल रीडिंग कितना है वो आए आपको रिकॉर्ड कर लेना है सपोज इनिशियल रीडिंग आपका हो जाएगा समझ लो वन पॉइंट टू सिक्स तो ये आय की वैल्यू हो जाएगी इनिशियल रीडिंग और फिर पोलर प्लानिमीटर का पॉइंटर आप घुमाएंगे इरेग्यूलर फिगर पे से तो रीडिंग चेंज हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका फाइनल रीडिंग एफ तो इनिशियल रीडिंग आय और फाइनल रीडिंग एफ आपको रिकॉर्ड करना है जब पोलर प्लानिमीटर आप फिगर के ऊपर घुमाएंगे उसके बाद में नम, एन बोले तो नंबर ऑफ टाइम्स द जीरो क्रॉसेस इंडेक्स मार्क तो ये जो एन है ये एन आपका एक दो तीन चार ऐसा हो सकता है और वो कायपे से पता करना है कि जो व्हील जो इंडेक्स मार गए और व्हील ऐसा एक बार घुमा तो एन की वैल्यू एक हो गई और वो भी क्लाकवाइज <coughs> घुमा <coughs> तो एन की वैल्यू प्लस रहेगी और यदि माइनस एंटी एंटीक्लॉकवाइज घुमा तो एन की वैल्यू माइनस रहेगी सो एन इज द नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ दैट इंडेक्स व्हील इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन वैल्यू इज पॉजिटिव इन एंटी एंटीक्स डायरेक्शन वैल्यू इज़ निगेटिव तो वह आप एन पता कर सकते हो अब यहां पे जो हमारा एडिटिव कांस्टेंट है सी इसके लिए हमको ध्यान में रखना है कि ये सी इज इक्वल टू जीरो वेन एंकर पॉइंट इज आउटसाइड द फिगर यानी इरेगुलर फिगर आपकी छोटी सी है तो आपका जो एंकर पॉइंट है वो प्लानीमीटर का वो आपने बाहर रखा और फिर इसके ऊपर फिगर घुमाया तो एंकर पॉइंट आउटसाइड द फिगर है ऐसा ही मोस्ट टाइम होता है क्योंकि फिगर छोटी सी रहती है हमारी और प्लानीमीटर हमारा थोड़ा बड़ा रहता है एक दो फुट के साइज का सो देयर फॉर सी इज इक्वल टू हो जाएगा उस केस में और यदि बड़ा बड़ा मैप है इेगुलर फिगर बड़े शेप की है और प्लानीमीटर उसके अंदर बैठ रहा है छोटा सा तो एंकर पॉइंट अंदर ही रहेगा और फिर आपको वो अंदर घुमाना है उसको तो ऐसे केस में सी इज द एंकर पॉइंट इज इन साइड द फिगर तो सी की वैल्यू आपको टेबल में दी रहेगी कि आपने जो भी फिगर की स्केल है उसके हिसाब से आपने क्या सेटिंग किया है तो उतनी सी की वैल्यू आपको लेना है इस प्रकार से यदि आपको ये सारे वैल्यू पता है सो एरिया इज इक्वल टू एम इंटू ब्रैकेट एफ माइनस आई प्लस माइनस टेन एन प्लस सी इस फार्मूले से हमको एरिया हम लोग निकाल सकते हैं तो इसके हम लोग प्रॉब्लम <coughs> सॉल्व करेंगे सो देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ दिस फार्मूला वी कैन यूज फॉर पोलर प्लानिंग तो यहाँ पे हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे द फॉलोइंग रीडिंग्स वेयर टेन वेन ए फिगर वॉज ट्रेवर्स क्लॉक वाइज यानी जो भी आपकी इरेगुलर फिगर है ऐसी उसके ऊपर आपने ये स्टार्टिंग पॉइंट से जो प्लानीमीटर घुमाया वो कैसा घुमाया क्लॉक वाइज सो दैट इज गिवन इन द प्रॉब्लम विथ द एंकर पॉइंट आउटसाइड यहां पर एंकर पॉइंट आउटसाइड है यानी आपका आर्म बाहर है और फिर आपने इसके ऊपर पोलर प्लानीमीटर को घुमाया तो ये पोलर प्लानिमीटर हो गया आपका और ये हो गया आपका पॉइंटर तो एंकर पॉइंट आपका जो है वो आउटसाइड है फिगर के तो आउटसाइड हो जाएगा एंड द ट्रेसिंग आर्म ऑन द नेचुरल स्केल गिविंग द मल्टीप्लाइंग टू हंड्रेड तो एम की वैल्यू है यहां पे हंड्रेड स्क्वेयर सेंटीमीटर एंकर पॉइंट ये है हमारा आउटसाइड तो यहां पे कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी जीरो जब भी एंकर पॉइंट आउटसाइड द फिगर होता है तो सी की वैल्यू जीरो हो जाएंगी द जीरो ऑफ द काउंटिंग डिस्क पासेज द इंडेक्स मार्क वंस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो एन की वैल्यू क्लॉकवाइज डायरेक्शन से एक रोटेशन पूरा किया है सो so एन की वैल्यू हो जाएंगी प्लस वन इंडेक्स मार्क का प्लस वन हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू एन की इनिशियल रीडिंग आई ये दिया है हमारे पास में रीडिंग इज नाइन पॉइंट फोर सेवन एट सो इनिशियल रीडिंग इज नाइन पॉइंट फोर सेवन एट और फाइनल रीडिंग हमको दिया है 1.536 तो ये रीडिंग दिया है और हमको यहाँ पे बोला है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रैवर्स यानी इस इरेगुलर फिगर का एरिया निकालो तो अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे फार्मूला है हमारा एरिया इज इक्वल टू एम इन टू ब्राकेट एफ माइनस आई प्लस माइनस टेन एन प्लस सी अब इसमें हमारा इंडेक्स व्हील यहां पर दिया है तो जीरो ऑफ द काउंटिंग डिस्क पास इंडेक्स मार्क वंस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाली है अब एरिया निकालने के लिए M की value है है हमारे पास 100 square meter, centimeter. Final reading हमारा कितना है? Minus. Initial reading और में यहां पे प्लस करना पड़ेगा क्योंकि हमारा इंडेक्स मार्क क्लॉकवाइज घुमा है एन की वैल्यू कितनी है हमारी वन है so, 10 into 1. और प्लस सी हो जाएगा जीरो क्योंकि एंकर पॉइंट आउटसाइड द फिगर है तो सी की वैल्यू जीरो है तो अब इसको आप सॉल्व करो तो एरिया आपको यहाँ पे निकलेगा सो हियर वन पॉइंट सॉरी वन पॉइंट फाइव थ्री सिक्स माइनस नाइन पॉइंट फोर सेवन एट इंटू टेन सॉरी हंड्रेड तो ये हो गया माइनस एटी टू और यहां पर करना पड़ेगा प्लस टेन तो यहां पे इनिशियल <coughs> इनिशियल सॉरी हमने यहां पे ये गलत लिख दिया सो हियर इनिशियल रीडिंग इज एक्चुअली नाइन पॉइंट फोर सेवन नहीं फाइनल रीडिंग तो हमारा बराबर है यहाँ पर सो फाइनल रीडिंग इज वन पॉइंट फाइव थ्री सिक्स माइनस ये है हमारा नाइन पॉइंट फोर सेवन एट तो ये आंसर हमारा माइनस में आने वाला है यहाँ पर और यहाँ पे प्लस टेन हो जाएगा सो दैट आंसर इज कम्स आउट टू बी एक्चुअली ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट हमारा मेरे ख्याल से इसके पूरे बाहर रहता है सो दिस इज़ टोटल ब्रैकेट 1.536 पॉइंट फाइव थ्री सिक्स माइनस नाइन पॉइंट फोर सेवन एट माइनस आ गया ये वैल्यू और उसके बाद में यहाँ पर प्लस टेन करेंगे हम लोग यहाँ पे तो ये आ गया टू पॉइंट ज़ीरो फाइव एट और इंटू हंड्रेड करेंगे सो so, ये हो जाएगा टू ज़ीरो फाइव पॉइंट एट रिमेंबर दिस इज द ब्रैकेट ये ब्रैकेट हंड्रेड बाहर है उसके एम जो है ये पूरे ब्रैकेट के बाहर है रिमेंबर दैट यू हैव टू रिमेंबर तो नहीं तो ये सॉल्व नहीं होगा अपना निगेटिव आएगा आंसर ये सो दिस एम इज आउटसाइड द लार्जर ब्रैकेट सो हियर अगेन वी कैन अंडरस्टैंड ए इज इक्वल टू एम इंटू ब्रैकेट एफ माइनस आई प्लस माइनस टेन एन प्लस सी ब्रैकेट कम्प्लीट इस प्रकार से हमको देखना है तो so, यहाँ पर ये स्क्वेयर सेंटीमीटर ये आपका एरिया निकल गया तो इस प्रकार से हम लोग प्लानीमीटर का एरिया गिवन डाटा पे से निकाल सकते हैं अनदर प्रॉब्लम नाउ वी विल सॉल्व हियर नाउ इन दिस द फॉलोइंग रीडिंग वेयर अपटेंड ए फिगर वॉस ट्रैवर्स क्लाक वाइज यानी फिर से आपका जो भी ट्रैवर्स है ये स्टार्ट पॉइंट है और ये आपने ऐसा एंकर पॉइंट जो है ये यहां पर हमको कैसा दिया है अभी वो हमने देखा नहीं अभी लेकिन ये क्लॉकवाइज घुमाया हमने यहां पर ये क्लॉकवाइज घुमाया द एंकर पॉइंट इन साइड है इसके मतलब इन साइड है हमारे यहां पर तो ये एंकर पॉइंट ऐसा और इसके ऊपर हमने घुमाया यहां पर सो दिस इज एंकर घुमायान साइड तो इन साइड होने की वजह से ट्रेसिंग आर्म जो है वो नेचुरल स्केल से हमने इसके ऊपर घुमाया एंड मल्टीप्लाइंग टू हंड्रेड स्क्वेयर सेंटीमीटर ये दिया है और एंकर पॉइंट हमारा इनसाइड है देन जीरो ऑफ द काउंटिंग डिस्क पास द इंडेक्स मार्क वंस इन एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन तो एन की वैल्यू यहां पर माइनस वन हो जाएगी क्योंकि वंस का मतलब एक बार और एंटीक्लॉकवाइज मतलब निगेटिव तो एन इज इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा एंड द इनिशियल रीडिंग आई इनिशियल रीडिंग इज नाइन पॉइंट नाइन वन एट और फाइनल रीडिंग इज फोर पॉइंट टू फाइव फोर ड कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रैवर्स अब यहाँ पर हमको सी की वैल्यू दिए नहीं है वो हमको लेना पड़ेगा सो हियर यू कैन टेक सी इज इक्वल टू सपोज जीरो पॉइंट थ्री तो जो भी आपका टेबल के चार्ट के हिसाब से होगा वो एक्चुअल लेना पड़ता है यहाँ पर प्रॉब्लम में गलती से मेरे ख्याल से वो वैल्यू दिए नहीं है सो वी विल फाइंड आउट द एरिया इज इक्वल टू एम इन टू लार्जर रैकेट एफ माइनस आई प्लस माइनस टेन एम प्लस सी तो यहाँ पे एम की वैल्यू है हंड्रेड और फाइनल रीडिंग है आपका फोर पॉइंट टू फाइव फोर माइनस इनिशियल रीडिंग है नाइन पॉइंट नाइन वन एट ये ब्रैकेट हो गया और यहाँ पर फिर ये एन माइनस है तो माइनस हो जाएगा और टेन इंटू वन ये वाला और प्लस हो जाएगा जीरो पॉइंट थ्री सी की वैल्यू जीरो पॉइंट थ्री है और ये ब्रैकेट कंप्लीट तो ये हो जाएगा आपका तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4.254 पॉइंट टू फाइव फोर माइनस नाइन पॉइंट नाइन वन एट ये माइनस आ गया और यहाँ पर ये माइनस टेन है सो दिस इज माइनस टेन और मेरे ख्याल से सी की वैल्यू हमको थोड़ी ज़्यादा लगेंगी यहाँ पे, सो दैट इज ट्वेंटी पॉइंट थ्री ले लेते हैं हम लोग सो प्लस ट्वेंटी पॉइंट थ्री और इसको करेंगे हंड्रेड से मल्टीप्लाई सो दैट इज फोर सिक्सटी थ्री पॉइंट सिक्स स्क्वेयर सेंटीमीटर हंड्रेड का यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर है तो एरिया का यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा और यहाँ पे सी की वैल्यू ट्वेंटी पॉइंट थ्री दी है दैट वी टू रिमेंबर एक्चुअली इट मस्ट बी गिवन इन द प्रॉब्लम तो इस प्रकार से हम लोग पोलर प्लानीमीटर के लिए फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं और इरेगुलर फिगर का एरिया निकाल सकते हैं सो दैट इज़ द कंसेप्ट ही आर यूजिंग द पोलर प्लानीमीटर बट नाउ वट इज नाव वी आर यूजिंग द डिजिटल प्लानीमीटर तो डिजिटल प्लानीमीटर में आपको कोई ऐसा फार्मूला लगाना नहीं है डायरेक्टली आप इंस्ट्रूमेंट घुमा के निकाल सकते हो इसके अलावा हमारे पास में दो और मेथड है एरिया निकालने के लिए सो so, पहला तो हमने क्या देखा है सो एरिया कैलकुलेशन के लिए हमने पहली मेथड है पोलर प्लानीमीटर इसके लिए हमको फार्मूला यूज करना है एरिया इज इक्वल टू एम इंटू ब्रैकेट एफ माइनस आई प्लस माइनस टेन एन प्लस सी ये वाला फार्मूला यूज करना है दूसरा है हमारे पास में डिजिटल प्लानीमीटर इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका तीसरा है ग्राफ पेपर मेथड ग्राफ पेपर मेथर का मतलब यह है कि आपका जो एक सेंटीमीटर बा एक सेंटीमीटर ग्राफ पेपर होता है वो ग्राफ पेपर के आप इरेगुलर फिगर जो भी होंगे ना वो ट्रेस कर लो आप वो ट्रेस यदि कर लेते हो तो वो ग्राफ पेपर के अंदर एक सेंटीमीटर बा एक सेंटीमीटर के कितने स्क्वेयर है वो हम लोग ग्रीन वाले स्क्वेयर ग्रीन वाला ग्राफ पेपर होता है बड़ा वाला वो हम लोग यूज़ कर सकते सो वो ग्राफ पेपर के अंदर आपको एक बाय एक सेंटीमीटर के कितने रेक्टेंगल है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर उसके अंदर कुछ रेक्टेंगल हमारे एक बाय आधा सेंटीमीटर के होंगे वो भी कितने हैं वो निकालना पड़ेगा तो उसको पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसका एरिया आधा हो जाएगा इसके इसी प्रकार से आधा बाय आधा के भी रेक्टेंगल होंगे कुछ तो वो भी मेजर करेंगे उसको आपको डिवाइड बाय फोर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये आधा बाय आधा के चार रेक्टेंगल बैठते हैं एक बाय एक में तो ये हो जाएगा इसके अलावा फिर एक मिलीमीटर बाय एक मिलीमीटर इसके कितने रेक्टेंगल है वो भी गिनना पड़ेगा आपको वो जितने हो जाएंगे उसको आपको मल्टीप्लाई करना उसको डिवाइड करना पड़ेगा हंड्रेड से तो वो भी सेंटीमीटर में इसका एरिया आ जाएगा और ये चारों सेंटीमीटर को आपको ऐड करेंगे तो आपका स्क्वेयर सेंटीमीटर में एरिया निकल सकता है यानी एक बाय एक के कितने हैं एक बाय आधा के कितने हैं आधा बाय आधा के कितने हैं और एक मीटर में के एक मिलीमीटर के कितने हैं तो एक सेंटीमीटर में एक सेंटीमीटर में एक मिलीमीटर के सौ बैठते इसलिए डिवाइड बाय सौ तो ये भी सेंटीमीटर में निकलेगा ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में और ये सारे सेंटीमीटर स्क्वायर ऐड करेंगे तो आपको ग्राफ ग्राफ पेपर से भी आप लोग एरिया निकाल सकते हो इरेरेगुलर फिगर का लेकिन ऑफकोर्स वो बाउंड्री पर के जो एक मिलीमीटर और एक मिलीमीटर के ट्रैंगल है वो आधे आधे ट्रैंगल भी हो सकते हैं एक बा एक का आधा ट्रैंगल तो दो ट्रैंगल मिला के एक काउंट करना पड़ेगा आपको तो इस प्रकार से वेरी एक्यूरेट ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करके भी हम लोग इरेगुलर फिगर का एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में निकाल सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको फिर स्केल से उसको छोटा करके ग्राफ शीट के ऊपर प्लाट करना पड़ेगा और चौथी मेथड है वो हम लोग ऑटो कैड ऑटो कैड सॉफ्टवेयर में यदि आप इरेगुलर फिगर निकालते हो टू द ओरिजिनल स्केल नेचुरल स्केल तो डायरेक्ट एरिया नाम की कमांड है तो आपको पॉलीलाइन कमांड का इस्तेमाल करके आपको इरेगुलर फिगर ऑटो कैड में बनानी पड़ेगी और एरिया नाम की कमांड है टूल्स मेनू में वहां पे जाकर टूल्स जाके एरिया में जाओ एरिया में जाके ऑब्जेक्ट के लिए ओ टाइप करो वो फिगर सिलेक्ट करो और ओके okay बोल दो आपको कमांड लाइन पे डायरेक्ट एरिया आ जाएगा सो बाय यूजिंग द आटोकैट एरिया कमांड ऑटो कैट एरिया कमांड हम लोग फाइंड कर सकते हैं इररेगुलर फिगर का एरिया सो दैट ऑल्सो वी हैव टू रिमेंबर सो समटाइम्स यू कैन यूज ग्राफ पेपर समटाइम्स यू कैन यूज ऑटो कैट एंड समाइम्स यू कैन यूज डिजिटल प्लानिमीटर and polar planimeter also is rare, but for the using formula that also you can solve. So, in this lecture uh, we have seen the graphical method of plane table uh, three point problem solution and then area measurement by using polar planimeter or digital planimeter or graph paper. So, that is all here now we have completed unit number six plane table surveying few additional part is remaining that we will also con con consider in the next lecture. Till then, thank you and goodbye.